नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। अंजुमन सज्जादिया ने एक मजलिस बराए इशाले सवाब मरहूम मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक और मरहूम साइंटिस्ट मोहसिन फाखरी जादे ईरानी की एक मजलिस का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ से आए हुए मौलाना आली जनाब सैफ अब्बास साहब मरकजी चांद कमेटी लखनऊ ने मजलिस को संबोधित किया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि मोहम्मद को अल्लाह ने पूरी दुनिया को रहमत बनाकर भेजा। उन्होंने बताया कि इस्लाम इंसानियत का मजहब है, मोहम्मद सा मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर आए हैं और अल्लाह ने आपको लोगों की हिदायत के लिए इस दुनिया में भेजा। लिहाजा इस्लाम के मानने वाले मुसलमान होते हैं, ना कि मुसलमानों के लिए अल्लाह ने इस्लाम भेजा है। देखिए, जो प्रोग्राम था ये मजलिस थी और ईरान में एक हमारे जो बहुत ही बड़े ईरानी साइंटिस्ट थे उनको इसराइल द्वारा शहीद किया गया था और दूसरे हमारे पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ आलिम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब क़िबला और मोहसिन फ़खरी जादे, इन दोनों के इसाले सवाब के लिए यहाँ अंजुमन सज्जादिया कोपागंज ने प्रोग्राम रखा था। हमारा उसूल ये है कि हमारी पूरी कौम का कि जो हमारे कौम के एकदम चमकते हुए सितारे होते हैं, जब वो चले जाते हैं तो हम उनको भुलाते नहीं, भूलते नहीं। हमारे जो गांव हैं, कस्बात हैं, जो अंजुमने हैं, वो उनको याद रखने के लिए और हमारे लिए याद रखने का सबसे एक अहम ज़रिया है वो मजलिस है। वो मजलिस करते हैं, तो आज हम लखनऊ से उसी मजलिस को पढ़ने के लिए आए थे जो गोपागंज की अंजुमन सज्जादिया ने रखी थी मजलिस, और वो मोहसिन फ़खरी जादे और डॉक्टर कल्बे सादिक साहब।